शासन प्रशासन को ताक पर रखते हुए किया अवैध कब्जा। जिला मुरादाबाद तहसील ठाकर द्वारा ग्राम गंझेड़ा में कुछ दबंग व्यक्तियों ने ग्राम समाज की जमीन को लेकर अवैध कब्जा किया हुआ है, जिसमें कुछ दिन पहले ग्राम सचिव और पटवारी द्वारा जमीन का निरीक्षण किया गया था। ग्राम प्रधान महावीर सिंह और शासन प्रशासन की मौजूदगी में अवैध कब्जे को हटा दिया गया था, लेकिन उसके बाद जिसमें दबंग व्यक्तियों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था उसकी सूचना ग्रामवासी रहीस अहमद, शहीद अहमद और मौजूदा प्रधान ने आला अधिकारी से की थी, लेकिन उसके उपरांत भी असलम पुत्र बाबू, अकरम पुत्र बाबू, यह दबंग लोग मीडिया के सामने ग्राम प्रधान महावीर और ग्रामवासी शहीद अहमद आदि लोगों को मारने पीटने की धमकी देते हुए साफ नजर आ रहे हैं। यह लोग अपना कब्जा आज भी बनाए हुए हैं, जिससे पता चलता है कि इन दबंग लोगों ने ग्राम समाज की जमीन के पास कुछ दिन पहले शहीद अहमद की जमीन पर कब्जा किया था। उसके बाद आज यह लोग ग्राम समाज की जमीन लगभग 3.5 बीघा जमीन को एक तालाब के रूप में है, इसमें लगभग 3 से 4 गांव का पानी बहकर निकलता है। अगर यह कब्जा नहीं हटा तो क्षेत्र के 200-250 किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, उन लोगों की फसल भी बर्बाद हो सकती है। अब देखना यह है कि इन लोगों को अपनी शिकायत जिला अधिकारी, तहसील, SDM महोदय और मुख्यमंत्री तक की है। शासन प्रशासन ऐसे दबंग व्यक्तियों पर क्या कार्यवाही करती है? मेरा नाम महावीर सिंह सैनी, ग्राम प्रधान गंझेड़ा, ग्राम पंचायत। और मेरा जितनी बार नापी जमीन उतनी बार अपने साइन करें, लेखपाल नाप करने के बाद चले जाते हैं। पूरा मैटर क्या है जो मतलब ग्राम समाज का मैटर? ग्राम समाज है उसमें, लेकिन ग्राम समाज पे वो लोग अवैध कब्जा करते हैं। आपने इसकी शिकायत वगैरह? हाँ, लेखपाल से बार बार शिकायत करी, वो नाप में आते हैं, मैं साइन कर देता हूँ, वो लोग छोड़ते नहीं कब्जा कर लेते हैं। उसके हम क्या कर सकते हैं, दबंगगिरी समझो आप, ये उनका क्या समझो। प्रधान जी, इसमें मैंने सुना कि कई गांवों का पानी यहाँ को निकास है। हाँ, हमारे ग्राम गंझेड़ा आलम का और जो है शहद गंझेड़ा पड़ता है, गंझेड़ा अलाजी पड़ता है, उसके पानी का निकास है यहाँ पे, और वो निकास बंद हो जाएगा तो कम से कम 150 किसान जो है बेचारे बर्बाद हो जाएंगे, गरीब किसान है। अच्छा, 150 किसानों को मतलब इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा? हाँ, भुगतना पड़ेगा। आपका जी शहीद अहमद, क्या क्या परेशानी क्या है? परेशानी यह है साहब, यहाँ पे हमारे यहाँ ग्राम समाज है, उस पर जो है असलम, कितने बीघे की ग्राम समाज है? 3.5 बीघा करीब जमीन ग्राम समाज की है वो, जिसका अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। किन लोगों ने? ये बाबू पुत्र असलम है, और, हाँ हाँ, और असलम पुत्र बाबू जी, और इसके और लड़के हैं कई सारे जी, इन्होंने, और फिर उल्टा सीधा बोलते हैं अगर कोई कहता है कुछ तो, और मैंने कहा तो मेरे को तो बिल्कुल ठोर मारने कहता है वो। अच्छा, जान से मारने की धमकी दे रहा है, धमकी दे रहा है पूरी तौर पर। इसकी शिकायत आपने किन लोगों से की? हमने जो है साहब SDM साहब को भी शिकायत की इसकी, DM साहब को भी की, और उसे अपने मुख्यमंत्री कार्यालय भी शिकायत की है, लेकिन अभी कोई सुनाई नहीं हो रही है इसमें। अच्छा, इसकी अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है? सुनवाई नहीं है इसको, जो है सभी ग्रामवासी जो है इसको खाली कराना चाहते हैं। आलम का पानी है, फर्रखपुर का पानी है, नियात नगर का पानी है, कुछ ट्रक व लोहन कला का है, भोटों की मंडियों का भी है। अच्छा, इसमें सभी लोग जो है पत्र दिए हुए भी हैं, मतलब इन गाँव का पानी यहाँ पे आता है तालाब के अंदर? हाँ जी हाँ, इसमें पानी होकर निकलता है, उसमें पशु पीते हैं पानी, इसको पानी को। सेमन पूर्व प्रधान हो रहे? अच्छा, पूर्व प्रधान है जी। हाँ जी सर, क्या मैटर है प्रधान जी? पूरा एक मैटर ये है साहब, नवीन प्रतीक के नाम से आती है ग्राम समाज जी जी, इसमें फर्रखपुर क्या कितने बीघे जमीन है? ये करीब 3.5 बीघे करीब है। अच्छा। और फर्रखपुर रहा और लौंगी के जंगल का रहा पानी, नियात नगर का पानी, गंझड़ा आलम का पानी, सब ये दो कुलाबों में को होकर निकलता है, दो पुलिया बनी हुई हैं जो वहाँ को होकर निकलता है, इसके अगर बंद ये हो गया तो सारी फसल मारी जाएगी काश्तकार। ऐसा नहीं है साहब, ये मकान बनने हैं, ये ढहने चाहिए। किन लोगों ने मकान बनाए? ये साहब बाबू पुत्र लल्लू, असलम पुत्र बाबू मकान बनाए, हाँ, और 3-4 लौंडे हैं, अकरम है और नन्ना है, जी हाँ, अवैध कब्जा कर रखा है इन्होंने। अच्छा, ग्राम समाज की जमीन पे जिन लोगों ने अवैध कब्जा बना लिया है जी हाँ, आपने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की है? आप जिला अधिकारी को भी करी है, SDM साहब को भी करी, मतलब यहाँ भी करी है और थाने में भी करी है, मुख्यमंत्री के यहाँ भी दी है साहब, कई जगह शिकायत करी है, लेकिन आपकी शिकायत का कोई निस्तारण अभी तक नहीं निकला है? अभी कुछ नहीं निकला। प्रधान महेंद्र सिंह गंझेड़ा आलम। ये क्या है सर, प्रधान जी क्या है पूरा मामला? ग्राम समाज है, करीब 3 बीघे इससे पर है जी, पूरे गांव का पानी आता है, पूरे जंगल का जी, इसने जबरदस्ती बदमाशी के तौर पर अवैध कब्जा कर रखा,
इसकी बतनी शिकायत डीएम साहब से भी कर रखी है, एसडीएम साहब से भी कर रखी है और मुख्यमंत्री साहब को भी दे रखी है। और क्या मैटर है? मकान बना रहे हैं उसमें जबरदस्ती, अगर जो मकान इसी के बन गए ये नहीं ढहे तो पूरा गांव का जंगली पट्ट हो जाएगा इससे पानी डूब जाएगा। हरकपुर का आता है, हरकपुर के जंगल का, नियात नगर के जंगल का, नन्नू वाले तक के जंगल का पानी आता है, लगभग तीन चार गांवों को पानी यहाँ को आता है।